नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण, बिलासपुर में। जीतने वाले का अता पता नहीं है, लेकिन हारने वाले ने मोर्चा संभाल रखा है। आप खुश होइए क्योंकि आपके पास ऐसा कैंडिडेट है बिलासपुर शहर में। तोखन साहू के मुकाबले आपकी जो हार है वो रिकॉर्ड मतों से हो रही है। पिछली बार जो आपके साथी लड़े थे अटल श्रीवास्तव, उससे ज़्यादा नंबर से जो है वो आप हारने वाले हैं। आपको लीड तो मिल रही है। एक बात जो हमको इस वक्त खटक रही है, यही कि हार जाने के बावजूद इतने डटे हुए क्यों हैं आप? देखिए, ऐसा है कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर मैं साथियों के साथ आया हूँ तो मोर्चा पूरा करने के लिए आया हूँ, अधूरे में छोड़ने की मेरी आदत नहीं। और जहाँ तक बात है चुनाव की हार जीत, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जनता और जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं। विषय ये है कि जनादेश पाकर या जनादेश ना पाकर भी कौन जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता है। तो हमारी भावना है, जनता हमारे साथ चली है। मैंने पदयात्राएं की, मैंने रैलियां की, मैंने सभाएं की, बड़ी बड़ी संख्या में लोग आए, लोगों ने गले लगाया, माताओं ने आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, लाखों की संख्या में वोट मिले हमको। उसके लिए तो सम्मान से मुझे उनका आदर करते हुए खड़े रहना चाहिए, इसलिए मैं खड़ा हूँ। कुछ चमत्कारित आंकड़े देखे हैं हमने। लोरमी में आप लीड कर रहे हैं, कोटा में आपकी जो है वो हार हो रही है। क्या कारण है आपका? तो कोटा में आपका कैंडिडेट है, सिटिंग जो MLA है वो कांग्रेस से है। ये तो देखिए, ये सब तो संगठन का विषय है कि संगठन को विवेचना करनी है सारी चीज़ों की। लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि लोरमी के लोगों ने आशीर्वाद दिया और बिलासपुर के लोगों ने भी बहुत भारी मतों से आशीर्वाद दिया। मैं सभी का सम्मान करता हूं और सबके लिए मैं काम करूंगा। जी, आखिरी सवाल है हमारा ये कि ये देखा जा रहा है कि किसी का अहंकार भी जो है इस वक्त थोड़ा उसमें असर पड़ा हुआ है। देश भर के चुनाव में जो नंबर्स आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि किसी बड़े नेता का अहंकार भी जरा सा हर्ट हो रहा है। नीतीश कुमार के ऊपर निर्भरता बढ़ रही है, कैसे देखता है देवेंद्र यादव जी? नीतीश कुमार जी तो अब मैं नहीं कहूँगा बहुत बड़े नेता हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर बात है कि नरेंद्र मोदी साहब ने इतना जो आभा मंडल बनाया, जो उनका अहंकार था, तानाशाही रवैया था, ये देश इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये देश प्यार मोहब्बत का है, अपनेपन का है, मेहनत करने वालों का देश का है, के लोगों का देश है। और इस पर तानाशाही और गुस्सा डर की राजनीति नहीं चलती, जिसको जनता ने दिखा दिया। तो आपसे देवेंद्र यादव जिन्होंने कहा है कि अहंकार को ठेस पहुंचा है देश के बड़े नेता को, और उनकी जिंदा दिली ये है कि हार जाने के बावजूद लगातार वो जो है लोगों से बात करने के लिए लगे रहे और उन्होंने जवाबदेही जो है अपनी समझी है। यही वजह है कि लगातार साल दर साल कांग्रेस की भी लोकप्रियता वैसे ही बढ़ी है, चाहे चुनाव साल 2004 के हों या 14 के हों या फिर 19 के, कांग्रेस की लोकप्रियता भी बढ़ी है। हालांकि ये अलग बात है कि कांग्रेस के कैंडिडेट ज़्यादातर जगहों पे हार जाते हैं। अप्रत्याशित तरीके से देवेंद्र यादव की हार जरूर हुई है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसका जो है जनता जनार्दन ने जरूर जो है स्वागत किया होगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।